हेलो गाइस, मैं हूं कपिल जांगिरोर। यह है टैक न्यूज नंबर 2। तो आज हम काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। और जो पहली न्यूज है वो Xiaomi की तरफ से है। Xiaomi का Mi Note 2 जो है लॉन्च होने वाला है, लेकिन Xiaomi के सीईओ ने कहा है कि ऐसे ही लॉन्च नहीं होगा, कुछ सरप्राइज भी है बायर्स के लिए। देखने वाली बात है क्या सरप्राइज रहता है, तो वो तो हमको जल्दी पता चल जाएगा। और जो नेक्स्ट जो न्यूज है वो सैमसंग की तरफ से है। सैमसंग का नोट 7 के ब्लास्ट होने के कारण सैमसंग को बहुत भारी नुकसान हुआ है। तो अब उसके रिप्लेसमेंट में सैमसंग जो है गैलेक्सी S8 पे वर्क कर रहा है, जो कि 26 फरवरी 2017 को लॉन्च हो जाएगा। ये डेट है उनकी तरफ से, अभी तक ऑफिशियल वैसे कुछ नहीं है, लेकिन ये चांसेस है। तो देखने वाली बात रहेगी क्या ये फोन जो है नोट 7 की कमी पूरी कर पाएगा, क्या उससे हुआ वो नुकसान से उबार पाएगा सैमसंग को। तो देखने वाली बात होगी, जो तो हमको ये लॉन्च होगा तभी पता चलेगा। अगली खबर जो है वो Huawei की तरफ से है। Huawei अपना Honor 6X जो है 18 तारीख को लॉन्च करने वाला है, और कहा जा रहा है इसमें 5.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले हो सकता है, और जो इसकी कीमत होगी वो $200 के लगभग होगी। तो देखने वाली बात है कि इस फोन के फीचर्स के हिसाब से क्या ये फोन जो है मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। हालांकि Huawei के फोन जो Honor 5 से था वो तो काफी चला था, लेकिन देखते हैं ये Honor 6S क्या अपना इम्पैक्ट छोड़ पाता है। और बात करें अगर Honor 8 की, तो Honor 8 इस बुधवार को, इस वेडनेसडे को इंडिया में लॉन्च हो रहा है। और जो नेक्स्ट न्यूज है वो है Amazon की तरफ से। Amazon की ग्रेट इंडियन सेल वो वापस से लगने वाली है 17 अक्टूबर से। तो आप चाहे तो सेल का मजा फिर से ले सकते हैं, और ये जो सेल है वो 3 दिन के लिए रहने वाली है। और हो सका अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको जो टॉप डील्स है वो मैं जरूर उसकी वीडियो बना के जरूर दूंगा आपको। तो ज्यादा समय नहीं है, मेरे ख्याल से इसमें 17 तारीख में 1 हफ्ते का टाइम है, तो मजा लीजिएगा सेल का। तो नेक्स्ट न्यूज है वो Xiaomi की तरफ से। Xiaomi अपना Mi Max Prime जो है इंडिया में लॉन्च कर रहा है 17 अक्टूबर को, यानी जो दिवाली सेल है, जो ग्रेट इंडियन सेल है Amazon की, उसमें और Mi की वेबसाइट पे भी आपको ये सेल में मिल जाएगा। तो आप चाहे तो वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। और इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें स्नैपड्रैगन 652 देखने को मिलेगा, और 4GB की रैम होगी, और जो इंटरनल स्टोरेज है वो 128GB का बताया जा रहा है। तो इसमें तो कुछ तगड़ी बाजी मारी है, देखने वाली बात है क्या होता है ये। और Mi Max Prime पे ही नहीं, आपको Xiaomi के सभी प्रोडक्ट्स पर सेल मिलेगी जो 17 तारीख से है, जो आपको ग्रेट इंडियन सेल में मिल जाएगी और Mi की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। इसके साथ ही Xiaomi ने अपना जो एक Mi का पावर बैंक लॉन्च किया है, जिसकी कीमत है 2000 और 10000 mAh का ये पावर बैंक है। तो आप सोच रहे हो इसमें नया क्या है, पावर बैंक तो पहले से ही है Mi के, लेकिन इसमें नया ये है कि ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसमें आपको टाइप सी केबल मिलेगी, और मेरे ख्याल से ये बहुत ही जरूरी हो गया था, क्योंकि फोन में लगभग 60-70% फोन में आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, 50% फोन में आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, लेकिन आपका जो पावर बैंक है वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता। तो ऐसे में काफी दिक्कत हो जाती है कई बार जो पावर बैंक यूज करते हैं। एक्चुअली मैं भी काफी पावर बैंक यूज करता हूँ, क्योंकि हर टाइम मैं मेरे मोबाइल को चार्ज में लगा के नहीं रखता, मैं उसको यूज करता रहता हूँ। तो ये काफी जरूरी हो गया था, और 2000 का ये होने वाला है। तो अगर आप खरीदना चाहें तो कुछ ही समय में ये आपको अवेलेबल हो जाएगा आपकी वेबसाइट पे, तो आप खरीद सकते हैं। और जो नेक्स्ट न्यूज है वो एप्पल और सैमसंग की वॉर की है। एप्पल ने जो है सैमसंग पर केस किया था कि सैमसंग ने जो है काफी समय पहले उसका जो स्लाइड अनलॉक का जो फीचर है वो चुरा लिया है। तो फाइनली एप्पल जो है वो केस जीत चुका है। अब सैमसंग को जो है एप्पल को $120 मिलियन देने पड़ेंगे हर जाने के तौर पे। तो सैमसंग के समय बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, उनका नोट 7 फ्लॉप हो गया, उसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा, ऊपर से ये केस आ गया है। तो सैमसंग अभी थोड़ा उसको ग्रहण लग रखा है मेरे ख्याल से किसी चीज का। और नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो वो जियो की तरफ से। जियो क्लेम करता है कि उसने 26 डेज में, मतलब 26 दिनों में जो है 16 मिलियन सब्सक्राइबर जोड़ लिए, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो पता नहीं है 16 मिलियन सब्सक्राइब यूजर्स है या फिर 16 मिलियन सिम्स उन्होंने निकाली है, जो कि एक यूजर के नाम से कई सिम्स होती है, तो वो पता नहीं, लेकिन 16 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने का दावा करता है। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जियो के लिए, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि जब इसका जो प्लान्स लॉन्च होंगे, जब आपको रिचार्ज कराना होगा, आपको पे करना होगा 1 जनवरी 2017 से, तो कितने लोग इसको रेगुलर रखते हैं, तो वो देखने वाली बात होगी। आज की जो लास्ट न्यूज है वो काफी इंटरेस्टिंग है। आपका मेरा और सबका फेवरेट नोकिया वापस आ रहा है एंड्रॉइड के साथ, नोकिया D1C में हमको 5
जिसका फुल डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, जो कि एंड्रॉइड 7.0 पे काम करेगा ये फोन। और अगर इसके अदर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें स्नैपड्रैगन 430 हो सकता है और 13 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा होगा। अभी तो ये रूमर्स आया है। इसके बाद अगर बात करें इसकी रैम की, तो 3GB की रैम और 32GB की इंटरनल स्टोरेज हो सकती है। तो इसके फीचर्स के हिसाब से लग रहा है कि मिड रेंज फोन है, 12-13 हज़ार के लगभग इसके रेट होनी चाहिए। बाकी जब ये लॉन्च होगा तो देखने वाली बात है कि कैसा फोन होगा। बाकी नोकिया के बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इस पर हम डाउट कर ही नहीं सकते, वन ऑफ द बेस्ट बिल्ड क्वालिटी होती है इसके फोनों की। तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ नोकिया के कमबैक के लिए, आई होप आप भी होंगे। तो इस वीडियो के लिए तो इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पे लाइक करें। अगर आपके कुछ सजेशन है मेरे इस फॉर्मेट को लेके, टेक न्यूज के फॉर्मेट को लेके, अगर आप इम्प्रूव कर सके किसी सजेशन से, जरूर सजेस्ट करें कमेंट के थ्रू, और वीडियो को जरूर शेयर करें, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे पता है आपको मेरे चैनल की कोई ना कोई वीडियो अच्छी लगेगी, जरूर अच्छी लगेगी। तो उस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर आप मुझे लाइक कर सकते हैं, उसका वहाँ पे मेरा यूजर नेम है, जो मेरी URL है वो है facebook.com/IIMKapilZangit11, और ट्विटर इंस्टाग्राम पे मेरा यूजर नेम है KapilZangit11, वहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही देखते रहिए मेरी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फॉर नाउ।